हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 से 15 मार्च तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी और आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तुला राशि, आप अपने जिस पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं उनको याद कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। देखते हैं अभी करेंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। तुला राशि के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, और तुला राशि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, 1 से 15 तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, 1 से 15 आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। तुला राशि में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी की करंट फीलिंग में आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक वो आपसे शेयर नहीं कर पाए हैं। उनको उनको ऐसा लगता था पहले कि मुझे टाइम लेना चाहिए या मुझे सोचना चाहिए कि मेरी फीलिंग्स जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ टाइम के लिए है और मेरे इमोशंस मतलब कि मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली उनको आपकी उनको समझ में आ गया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनको समझ में आ गया है कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में अबंडेंस है और हैप्पीनेस है, हर तरह की खुशियां हैं अगर आप उनकी लाइफ में हो। अभी की करंट फीलिंग्स में मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपसे जो भी उनके मन में छुपा हुआ है, जो भी उनके मन में प्यार है आपके लिए, वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। आपकी करंट फीलिंग्स तो आप भी अपने पार्टनर की राह देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी चाहते हो कि कब आपका पार्टनर आएगा और अपने दिल की सारी बातें आपसे करेगा, कब वो आपसे अपनी हर बात शेयर करेगा। आप भी चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है आपसे बैठकर बात करे, आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करे। हो सकता है आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर दूसरे शहर में रहते हो या दूर रहते हो सकता है आप दोनों नहीं मिल पाए हो बहुत टाइम से। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे ही मतलब कि आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज होगी, वो ज़रूर आपसे मिलेंगे। और ये अभी की करंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ कि अभी ही वो सोच रहे हैं कि बहुत जल्द मुझे अपनी दिल की बात अपने पार्टनर से करनी है। तो हो सकता है 1 से 15 मार्च तक आपके पार्टनर भी आपसे मिलने आ जाए। ठीक है, देखते हैं 1 से 15 मार्च में क्या रहने वाला है। तो अगेन मैं यहाँ कहूँगी कि थोड़े इमोशनल तो हो रहे हैं, वो सोच भी रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट की जहाँ पर बात आती है, जहाँ पर बात आती है लाइफ टाइम साथ रहने की, या फिर ये कहूँगी कि जहाँ पर बात आती है कि अब हमें एक दूसरे को कमिटमेंट देना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है, वहाँ पर थोड़ा सा आपके पर्सन अभी भी सोच विचार में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर प्लान्स नहीं किए हैं, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें बाहर से सब अच्छी दिख रही है, लेकिन क्या सच में हम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो 1 से 15 मार्च के बीच में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं अब, क्योंकि अब उनमें वो पेशेंस नहीं है कि वो अपने दिल की बात छुपाए। उनके मन में जो भी चल रहा है, उनके जो भी इमोशंस हैं, उनके मन में जो भी प्यार है, वो आपसे शेयर करने वाले हैं, वो आपसे बात करने वाले हैं, वो आपको अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है 1 से 15 के बीच में वो अपनी दिल की बात के साथ साथ उनके लाइफ में जो भी चल रहा है, उनके करियर में जो भी चल रहा है, उनका उनका जो भी स्टेटस है, उसके बारे में बहुत ही क्लियरली खुल के आपसे बात करेंगे कि यस, मैं इस तरह का इंसान हूँ या इस तरह की इंसान हूँ, क्या तुम मेरे साथ फिर भी रहना चाहते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो अभी तक आपको नहीं समझा पाए हैं, लेकिन मैं यह देख पा रही हूँ कि वो क्लियरली उस टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग नेचर हो सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान है, तो
तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे इंसान है कि जो है वो क्लियर है और अब तुम्हें इसी स्थिति के साथ अगर रहना चाहते हो तो तुम रहो, नहीं तो तुम जा सकते हो। तो इसे थोड़ा सा आपको लगेगा ईगो है उनमें, एटीट्यूड है, या फिर आपको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, हो सकता है आपकी थॉट ऐसी हो, लेकिन वो जो भी है वो क्लियरिटी के साथ जीते हैं, तो इसलिए हो सकता है इस बीच में आपको थोड़ा ये भी लगे कि भाई बहुत एटीट्यूड है मेरे पार्टनर में तो मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो हो सकता है थोड़ा आपको ऐसा भी फील हो। आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि यस आप तो बहुत ही बेसब्री से मैनिफेस्ट कर रहे हो तुला राशि कि आपके पार्टनर जो है वो अब आकर कह ही दे कि बस ये रिश्ता पक्का है और हमें फ्यूचर साथ रहना है, फ्यूचर में साथ ही एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाने हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आपका आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। आप ये सोच कर रखोगे 1st to 15 के बीच में कि यस इस रिश्ते को मुझे संभाल के रखना है। आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि यार आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं पार्टनर आ रहा है, यूनिवर्स पे आपको इतना विश्वास हो सकता है। आप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है हीलर हो सकते हो या फिर यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले, डिवाइन पे, कर्मा पे ट्रस्ट करने वाले हो सकते हो, जिसकी वजह से आप इन 15 दिनों में बहुत पॉजिटिव रहोगे अपने पार्टनर को लेकर, उस रिश्ते को संभाल कर रखने की पूरी कोशिश करोगे और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने आप को इसी तरह से हील करोगे कि यस ये पार्टनर मेरे पास आ रहा है। कुछ अच्छा टाइम भी आप एक दूसरे के साथ बिता सकते हो जो कि मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों जब भी मिलोगे तो अच्छी बातें होंगी, अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे 1st to 15 मार्च तक। तुला राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे। ओके, एम्परर की एनर्जी भी है और किंग ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर थोड़े रिजिड टाइप के, बहुत ज़्यादा सोच कर आगे बढ़ने वाले ऐसे हो सकते हैं। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है, आप क्या सोचने वाले हो अपने पार्टनर के लिए। यस, ओके तुला राशि, आप जितने इमोशनल हो, जितना आप दिल से सोचते हो ना, आपका पार्टनर उतना ही दिमाग से सोचता है, 100%। आपके पार्टनर बहुत ही फायरी एनर्जी के हैं, बहुत ही पैशन भी है उनको, और जो करना है वो बहुत ही ऐसा है कि अपने उससे करना है, शिद्दत से करना है, वो वाली बात है, और नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है, अपने रूल्स पे चलना है, और बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए वो सोचते हैं और फिर चलते हैं। एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर जो है, थोड़ा हो सकता है कि बहुत एनर्जी के साथ ही आपसे मिलते हो, एनर्जी के साथ ही रहते हो, और आपको ऐसा लगता हो कि आपको थोड़ा सा उनसे डर भी लग सकता है कि यार ये गुस्सा ना हो जाए मेरा पार्टनर तो कभी कभी आप ऐसा भी फील करते होंगे। तुला राशि, आपके जो पार्टनर है उनकी सोच जो है 1st to 15 मार्च में इस तरह की कुछ होगी कि यस मुझे कुछ करना है तुम्हारे लिए और मैं एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता चाहती हूँ या चाहता हूँ, परमानेंट तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस रिश्ते को बनाए रखना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं उसमें वो कुछ नया भी देखेंगे, कुछ नया कोशिश करेंगे कि कुछ शुरुआत करते हैं एक, जिससे कि तुम परमानेंट मेरे हो जाओ, मतलब इस तरह की शुरुआत भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला थोड़ी ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है, तो यस यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, और एक अच्छी डेट पर भी आप दोनों जाते हुए नजर आ रहे हो जिसमें आप अच्छा खाओगे पियोगे इंजॉय करोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ, और ट्रैवलिंग भी आप दोनों साथ में करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, किसी तरह की ट्रैवल हो सकती है। और आपकी तरफ से क्या आप क्या सोचोगे, तो यहाँ पर मैंने कहा ना आप बहुत जल्दबाजी में हो कि चाहे कुछ भी हो ये पार्टनर आ जाए, मेरी सारी विशेष इसी से ही है, बस आप आगे बढ़कर कुछ कहना नहीं चाहते, आप इतने इमोशनल हो कि आप हर तरह का दर्द फील कर लोगे, आप उनकी याद में एक महीना निकाल दोगे, लेकिन आगे से आप उनको मैसेज करने के लिए तैयार नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर ही मेरी तरफ आए, आप सिर्फ मैंने कहा ना हीलिंग करते हो, मैनिफेस्ट करते रहते हो कि वो आ जाएगा, मुझे पता है वो आ जाएगा, बस आप कोशिश नहीं करते हो ना अपने दिल की बात करने को तैयार होते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा एटीट्यूड आप में है, बस आपका एटीट्यूड नजर नहीं आता और आपके पार्टनर का नजर आता है, क्योंकि वो जो भी है क्लियर है। सो यहाँ पर 1st to 15 मार्च के बीच में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप दोनों
एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की कोशिश भी करोगे, लेकिन यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है एक बार चेक करते हैं। फाइव ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें जो। ओके, जब आपकी बात होगी कमिटमेंट की, जब बात होगी शादी की, तो यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे आपको कि भाई रुक जाओ, अभी इतना जल्दबाजी मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी वो ऑलरेडी किसी एक चीज में इतने ज्यादा बिजी है कि उन्हें दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। सो वो करियर भी हो सकता है या फिर कहीं और का कमिटमेंट हो सकता है, कोई भी ऐसी एक चीज उनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही है कि वो किसी और दूसरी चीज के लिए अभी तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि इन फर्स्ट टू 15 के बीच में आप आपके पार्टनर से बात एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो शादी की बात करे, कमिटमेंट की बात करे, और आपके पार्टनर उस टॉपिक पे कोई बात ही ना करे, तो इसकी वजह से थोड़ा आप दुखी हो सकते हो। ठीक है, और हम यहाँ पर लेंगे कि क्या एक्शन होगा आपके पार्टनर का। तुला राशि, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे फर्स्ट टू 15 मार्च तक, क्या एक्शन लेंगे, आप क्या एक्शन लोगे देखते हैं, आप क्या एक्शन लोगे। डबल फाइव की एनर्जी यहाँ पे, तो चांसेस है कि आपको ऐसा लगे कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, कुछ गलती हो गई है, मैंने ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। बात करते हैं एक्शन लेने की, तो आपकी जो एनर्जी है तुला राशि, आप तो तैयार हो एक्शन लेने के लिए। आपकी ट्रैवल भी मुझे दिख रही है, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, और उस ट्रैवल में आप आपके पार्टनर का वेट करोगे कि वो कब मुझे कहे कि भाई मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अब मैं मतलब कि तुमसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आप कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ इंतज़ार करने के मूड पे हो कि भाई मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी। और तुला राशि, आप ऐसा फील करोगे कि यार मतलब अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में भी मुझे आप नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ एक्शन आगे होके लेना नहीं चाहते हो, और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार मैं ट्रैप्ड तो नहीं हूँ कहीं पर, ऐसा तो नहीं कि मुझे गलत जगह में फंस गया हूँ या गलत जगह फंस गई हूँ, क्योंकि आगे की जर्नी आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अभी कोई एक्शन आपका पार्टनर ले नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर तकलीफ हो सकती है। फर्स्ट टू 15 मार्च के बीच में आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारी लाइफ सब सेटल है, तुम्हारा फ्यूचर भी सेटल है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन लेते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। वो आपसे उसी तरह बात करना चाहते हैं जिस तरह वो अभी कर रहे हैं, अगर आगे कोई कमिटमेंट की बात हो तो उसके लिए वो कोई बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर की दिल की बात, आपके पार्टनर की दिल की बात आपके लिए क्या है तुला राशि। ट्रू लव, ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि यस मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करती हूं या करता हूं, तो मुझ पे विश्वास करो, लेकिन तुम मुझ पे विश्वास करो सॉरी, और मैं जितने एफर्ट्स लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ मैं लगाता हूँ, और मैं ही वो एक हूँ जो कि तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर हूँ। एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बार बार मेरे पास आते हो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही कोशिश करते हो, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है आप बहुत इमोशनली हर्ट हो रहे हो, तो अगर आपके पार्टनर ये कह रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मत एफर्ट्स दो, तुम अपने आप के लिए जियो, तुम्हें जो अपने ठीक लगता है तुम वो करो, तो अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो मेरे साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे एफर्ट्स से तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि वो क्या कहना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस है तुला राशि, आपको क्या गाइडेंस है। ओके,
तुला राशि, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, सेल्फ लव की कमी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन लोगों के साथ रहो जो आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ जियो जो रियली आपको रेस्पेक्ट देते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है किसी के साथ रहकर, तो इंस्टेंट उस रिश्ते से आप बाहर निकल जाओ। आप खुद ही उस चीजों को हटा सकते हो अपनी लाइफ से जो आपको नहीं जम रही है, और आप खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो उन नेगेटिव एनर्जीज से जो आपके चारों तरफ है। तो कोशिश करो कि आप मतलब कि उन लोगों के बीच में नहीं रहो जहाँ पर आपको अच्छा फील नहीं होता है। आई एम ऑलवेज इनफ आपके लिए ऑलरेडी अफर्मेशन यहाँ पर आई है कि आप अपने आप में ही पर्याप्त है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसको चेंट करते रहे डेली, 21 days 21 times आप चेंट करते रहे आई एम ऑलवेज इनफ। एक और मैं आपके लिए लूंगी अफर्मेशन तुला राशि के लिए। I enjoy every moment of my life. Yes. अगर आपको कहीं लगता है आप स्टक हो गए हो, क्योंकि आपके कार्ड में भी वो एनर्जी थी, देखिए स्टक एनर्जी थी, तो यहाँ पर आप जब भी आपको लगता है आप चेंट करो I enjoy every moment of my life. आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे और आप अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।